हेलो एंड वेलकम टू डायनामिक स्टडी टुडे आई विल डिस्कस अबाउटीट इन इंडिया हमारे हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किसको हम संविधानिक कह सकते हैं कौन से चीज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसके बिना हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को सोच ही नहीं सकते जिसका कोई चेंज नहीं हो सकता हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वो क्या क्या है ओके okay? सो so, देखते हैं आज का टॉपिक सो फर्स्ट जो हमारा थीम है वो है डेमोक्रेसी ओके okay? सो so, डेमोक्रेसी कैसे आया? सो इन द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन स्पीच ऑफ नेहरू डिड नॉट मेंशन डेमोक्रेसी एज वाज़ द केस विथ सोशलिज्म नेहरू ने जब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के बारे में बताया था Uh, जब uh, 1913 में जब ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पास हुआ वहां पर नेहरू ने सोशलिज्म की बात की थी लेकिन वहां पर डेमोक्रेसी की बात नहीं की गई थी नेहरू के द्वारा ओके okay? सो so, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन के एक इंटरप्रिटेशन इंटरप्रिटर है वो है फार्गव So, उन्होंने बताया था वार्ग आर्ग्यूज डेमोक्रेसी केम इन इंडिया एज इन द क्विज़ ऑफ़ नेशनलिज्म द मेन इंस्ट्रूमेंट बीइंग यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी सो so, भारत में जो गणतांत्रिकता ये किस चीज के अंदर आया नेशनलिज्म जो हमारे देश के प्रति प्रेम है देश के प्रति एक आत्म अहंकार है उसके रूप में एक नकल करके डेमोक्रेसी घुस गया हमारे देश में सो so, यहाँ पर डेमोक्रेसी को हम सबसे अच्छी तरह से समझते हैं यहाँ पर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी भारत में गणतंत्र क्यों सफल है क्यों सबसे पावरफुल बिगेस्ट डेमोक्रेसी कहते क्यों क्योंकि पर से जो लोग हैं उन सबको हम एडल्ट फ्रेंचाइजी में सबको वोट वन 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 वोट ये जो राइट है इंडिया में सो इसीलिए जो नेशनलिज्म के ओर पर एक ऐसे चीज में अंदर डेमोक्रेसी आई गई है इंडिया में ओके और ये किससे इंप्लीमेंट होता है डेमोक्रेसी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी से सबको एक सार्वजनिक वोटाधिकार जिसमें मिलता है सो so, उससे ही हम डेमोक्रेसी को पा सकते हैं फील कर सकते हैं ओके इन केशवानंद भारती केस 1973 द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अपहेल्ड डेमोक्रेसी एज अ बेसिक फीचर दैट कैन नॉट बी अमेंडमेंट और टेकन अवे बाय वे ऑफ अमेंडमेंट सो हमारा थ्री हम के अनुसार लेकिन केशवानंद भारती केस ने ये बताया नाइनटीन सेवेंटी थ्री में सुप्रीम कोर्ट में एक केस हुआ वहां पर बताया गया कुछ चीजों को हम बेसिक स्ट्रक्चर के तौर पर रखेंगे जिसको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के अनुसार हम एमेंडमेंट नहीं कर सकते हैं ओके okay? डेमोक्रेसी so, भी ऐसा ही चीज है जो एक बेसिक स्ट्रक्चर है देश का जो स्ट्रक्चर है है वो एक बेसिक स्ट्रक्चर ऑल्टर कुछ नहीं कर सकते ये हमेशा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रहेगा बाय डेमोक्रेसी द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली मीन वन पर्सन वन वोटर पॉलिटिकल डेमोक्रेसी भारत का जो गणतंत्र है वो किस किस टाइप का गणतान्त है ये एक पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है जहां पर एक व्यक्ति को एक अधिकार मिलता है एक वन मैन इज टू वन वोट ऐसा डेमोक्रेसी है ओके okay? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी रिगर्डलेस ऑफ सेक्स एजुकेशन क्लास कास्ट और कम्युनिटी वाज़ अ रिवोल्यूशनी फॉर द सोसाइटी दैट वाज़ एम्बेडेड इन सोसाइटी सोशल डिविजन इंक्लूडिंग अल्टेटिविटी भारत एक ऐसा समाज है सबसे बड़ा सोशल सोसाइटी है यहाँ पर बहुत सारे कल्चर रिलीजन है आ, जो इतने दिनों से पोलिटिकल कंट्रोल में था ब्रिटिश के वहां पर लोगों के पास शिक्षा नहीं है नारी औरतों को सम्मान नहीं किया जाता है एडुकेशन नहीं है क्लास कास्ट में हैं, धर्म में दिवे, दिवे हैं। लेकिन एक रिवोल्यूशन स्टेप्स लिया गया यहाँ पर अनटचबिलिटी है फिर भी हमने सबको किसी भी सबको समान तरीके से देखा और इक्वली रिप्रेजेंटेशन किया और सबको वोट देने की जो राइट है वो दिए हैं हमने ओके okay? यहाँ पर पॉलिटिकल डेमोक्रेसी वर्व एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल इकोनॉमिक डेमोक्रेसी एज वेल एज विच ऑल्सो सजेस्ट अ प्रोएएक्टिव स्टेट फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन सो हमारा जो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है ये इंस्ट्रूमेंट है जो क्या करता है सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को प्रोमोट करता है ये सजेस्ट करता है अगर लोगों के पास वोट देने की राइट है वो पॉलिटिक्स में खड़े हो सकते हैं वोट दे सकते हैं तो उनके पास सोशली और इकोनॉमिकली राइट्स आएंगे सो वो इक्वल हो जाएंगे सब दिख में सो एक ऐसा स्टेट के बारे में घोषित किया गया था सो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के थ्रू ही लोगों के पास सोशल और इकोनॉमिक राइट्स होंगे और इससे वो समाज को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं समाज को एक अच्छा समाज के तौर पर ला सकते हैं एक ऐसा समाज जो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी ही सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी का जो बेस है वो बनाकर रखेगा ओके इंडियन स्टेट और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी इन इंडिया विदाउट जेन्यून डेमोक्रेसी देर केन बी नो कॉन्स्टिट्यूशन भारत का जो गणतंत्र है यहाँ पर यह बताया जाता है अगर गणतंत्र नहीं है तो कॉन्स्टिट्यूशन का कोई मायने नहीं है यहाँ पर प्लूरलिटी आप द प्योरिटी एंड रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर इनडायरेक्ट लोग जाकर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरीके से वोट देते हैं हमने रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं जो हमारे आ, हम हमारे बिहाफ में डिसीशंस लेते हैं सो एक बहुत बड़ा समाज है जहां पर बहुत सारे लोग हैं विभिन्न कल्चर समाज के रूल्स रेगुलेशंस के वो अपने चूज के हिसाब से अपने हिसाब से लोगों को वोट देते हैं और वो हमारे लिए डिसीजन लेते हैं ओके सो ये एक ऐसा समाज है नेक्स्ट देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म कोड ऑफ गुड गवर्नेंस एंड डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड ये जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है संविधानिकता है संविधान क्या करता है संविधान एक अच्छा समाज अच्छा शासन प्रतिष्ठा करता है और डेमोक्रेसी को बरकरार रखता है मतलब डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशनिज्म दोनों रिलेटेड है सो डेमोक्रेसी के थ्रू ही हम कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को बरकर रख बरकर रख सकते हैं और कॉन्स्टिट्यूशनिज्म के थ्रू ही हम डेमोक्रेसी को ला सकते हैं और यही गुड गवर्नेंस को प्रोमोट करते हैं ओके okay?

एडस्ट एज अ मेजर कॉन्स्टिट्यूशन डू नॉट मेक कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशनल पोलिटिकल पार्टी वन इलेक्शन डू नॉट मेक गोवेम्रेटिक मतलब एक कॉन्स्टिट्यूशन होने से ही है, हमारा देश एक देश में है मत, मतलब तो वो देश कॉन्स्टिट्यूशनली फॉलो uh, हो रहा है मतलब पार्टी है इलेक्शन हो रहा है इसका मतलब ये भी नहीं है डेमोक्रेटिक कंट्री है इसके लिए आपको रूल्स रेगुलेशन कॉन्स्टिट्यूशन को प्रॉपरली फॉलो करना होगा और उसी हिसाब से आपको काम करना होगा ओके जेन्यून डेमोक्रेट

ओके सो यही है जेनुइन डेमोक्रेसी जहां पर जो सोवरेनिटी है वो लोगों के पास रहेगी सार्वभौमिकता है वो गवर्नमेंट के पास नहीं रहेगी वो रहेगी पीपल के पास क्योंकि पीपल के पास राइट है कि वो पांच साल बाद उसे चेंज कर सकते हैं इंडिया में ओके okay? सो so, ये एक ऐसा डेमोक्रेसी है जहां पर पीपल इज मेन सोर्स ऑफ पावर मतलब पावर का मेन सोर्स है लोग ओके okay? जो सरकार को बनाएगा और तोड़ेगा भी वही ओके okay? सो so, ये है हमारा डेमोक्रेसिक कॉन्सेप्ट अब बहुत एक देखते हैं नेशनल यूनिटी। हमारा समाज भारतीय समाज डाइवर्सिटी से भरा हुआ है वो एक डायवर्जेंट समाज है सो इट इज अ पॉजिटिव एस्पेक्ट दिड्यूसेज सोशल कल्चरल एंड इकोनॉमिक डिफरेंसेज फॉर इनइक्वलिटीज एंड स्ट्रेंड दॉलिड एडिक्टिव स्विच इज नॉट इम्पोज बाई एनी ऑथोरिटी सो नेशनल यूनिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है एक देश को एक डाइवर्सिटी समाज को एकत्रित करने के लिए उसे बरकरार रखने के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज है वो है अः नेशनल यूनिटी यही नेशनल यूनिटी हमारे समाज में क्या कर सकती है सोशली कल्चरली इकोनॉमिकली डिफरेंसेस को हटा सकती है जो इन है उसे हटा सकती है एक अच्छा समाज बना सकती है सो so, मतलब समाज के अंदर जो सोशल कल्चरल इकोनॉमिक पॉलिटिकल जो डिफरेंसेस है उसे रिड्यूस करके एक भारतीय एक भारतीय नागरिक का जो एक यूनिटी वाला कॉन्सेप्ट है वो बना सकता है नेशनल यूनिटी ओके सो so, हमारे भारतीय समाज में सेंट्रलाइज आइडिया ऑफ नेशनल यूनिटी भारत के हम कहते हैं कि हम भारत या नागरिक है हम किसी राज्य के या किसी यूनियन टेरिटरी के नागरिक नहीं है हम भारत के नागरिक है सो so, एक नेशनल यूनिटी का कॉन्सेप्ट भारत में पहले से ही है ओके सो यहाँ पर इसीलिए आर्टिकल फिफ्टी वन इट मेक इट फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ द एवरी सिटीजन टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी एज वेल एज प्रोमोट हारमोनी एंड ब्रादरहुड इसीलिए आर्टिकल 51 ए में फंडामेंटल ड्यूटी बनाया गया है कि सारे लोगों को हमारे देश के नागरिक को क्या करना चाहिए हमारे देश के नागरिक को एक ऐस जो आ, सब नागरिकों को एक इंट्रीगल पार्ट मानना चाहिए अपने ब्रदरहुड उनके प्रति सहानुभूति दिखाना चाहिए एक हम सब एक है ऐसा दिखाना चाहिए और सोव देश का जो सार्वमिकता है उसे प्रोटेक्ट करना चाहिए एक यूनिटी इंटीग्रिटी हम सब एक है एक इंटीग्रिटी सोसाइटी के तौर पर उभर कर आना चाहिए समाज में कोई विभेद नहीं होना चाहिए एक ब्रदरहुड कॉन्सेप्ट यहाँ पर बताया गया है ये सिटीजन का एक महत्वपूर्ण कर्तव्य है जो फंडामेंटल ड्यूटी है ओके okay? प्रियम्बल में भी बताया गया है दैट द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड हीज और हर राइट कैन बी रियलाइज्ड ओनली इन द फ्रेमवर्क ऑफ नेशनल यूनिटी अकॉर्डिंग टू काश्यप काश्यप जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशन की व्याख्या करता है उन्होंने बताया कि प्रियम्बल में भी किया गया है कि डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल जो जो हमारा सम्मान है वो किसके ऊपर है वो नेशनल यूनिटी के ऊपर है हम एक दूसरे के साथ रहेंगे और एक दूसरे का आ, साथ कभी नहीं छोड़ेंगे हम एक साथ हैं हम एक भारत है ओके यूनिवर्सल ब्रदरहुड का जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पर आता है नेशन वी आर इंडियन सो यही हमारा पास यूनिटी है सो नेशनल यूनिटी हमारे देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी बेसिक स्ट्रक्चर के डिबेट के बेसिक स्ट्रक्चर के अंडर आता है ओके okay? सो so, जब नाइनटीन सेवेंटी थ्री में अः uh, केशवानंद भारती केस आया सो so ट्वेंटी जो चीजें हैं उनको नेशनल मतलब आ, बेसिक स्ट्रक्चर कहा गया इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर सो इनमें से एक है नेशनल यूनिटी ओके सो so, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉन्सर्ड अबाउट यूनिटी इन डाइवर्सिटी क्योंकि मैंने पहले ही कहा भारतीय समाज डाइवर्जेंट समाज है यहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हैं सो यहाँ पर डाइवर्सिटी इन यूनिटी का एक कॉन्सेप्ट है कॉन्स्टिट्यूशन एज आउटलाइन इन केस भारतीय केस जो मैंने पहले ही के दिया बेसिक फीचर है यूनिटी एंड इंटीग्रिटी हम सब एक साथ रहेंगे ओके द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फंक्शन फॉर इमरजेंसी इवन इन द केस ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंसिसन बी थ्रेटन नेशनल यूनिटी फॉर इंटीग्रिटी अकॉर्डिंग टू आर्टिकल थ्री फिफ्टी टू आर्टिकल थ्री फिफ्टी टू के अनुसार हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आ, एक राइट दिया गया जहां पर बताया गया कि नेशनल यूनिटी अगर हमारे देश में कभी आ, बंच, मतलब कभी थ्रेटन हो रहा है डर जा रहा है विनिष्ठ होने की कोशिश कर रहा है इंटीग्रिटी नष्ट हो रहा है तब हम उसे नेशनल इमरजेंसी के तौर पर घोषित कर सकते हैं आर्टिकल थ्री फिफ्टी टू के मतलब सिर्फ बाहर के शत्रु के आक्रमण से ही नहीं इंटरनल डिस्टर्बेंसेस से भी हम नेशनल यूनिटी को मतलब आ, अगर इंटरनल डिस्टर्बेंसेस हुए तो तब भी हम नेशनल यूनिटी अगर हमारा टूट गया या किसी भी तरह से खतरे में आया तो हम आर्टिकल थ्री फिफ्टी टू के अनुसार हम नेशनल इमरजेंसी घोषित कर सकते ओके National unity अगर है, तो देश के कोई भी थ्रेट नहीं रहेगा सो so इससे थ्रेट को कंट्रोल करने, करने के लिए लिमिट में रखने के लिए नेशनल यूनिटी बहुत जरूरी है इंपॉर्टेंस ऑफ नेशनल इंटीग्रिटी इज ऑल्सो कॉन्सिक्वेंस ऑफ द एंगउटो ियल इंटीग्रिटी इन इंटीग्रिटी ये, ये किसके लिए काम है समाज सब टोटल एक भारत है ओके okay? सो so, ये कॉन्सेप्ट लाने के लिए कॉलोनियल रूल को हमें हटाने के लिए पार्टीशन से लड़ने के लिए इन सब के लिए हमारे लिए सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो है इंटीग्रिटी ओके okay? अब देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ नेशनल यूनिटी क्यों ये नेशनल यूनिटी हमारे देश के लिए इतना इंपॉर्टेंट है ये क्या करता है नेशनल यूनिटी भारत के लिए ओके इट फर्स्ट पॉइंट है ब्रिंग्स अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन ये देश का विकास में हेल्प करता है देश का जो विकास है उसको प्रोग्रेस और लाता है ओके okay? क्योंकि लड़ाई नहीं होगी तो देश विकास से होगा नेक्स्ट है इट हेल्प्स द गवर्नमेंट्स टू ऑफ द नेशन टू अंडरस्टैंड पीपल्स नीड एंड चॉइसेस मतलब हमारे देश का नागरिकों का क्या चाहिए क्या उन्हें चाहिए क्या नहीं चाहिए उसको प्रोमोट करने के लिए वो हेल्प करता है नेक्स्ट है इट्स स्ट्रेंथेंस आवर नेशन देश को बहुत पावरफुल uh, बनाता है अगर नहीं लड़ाई होगी तो पावरफुल बनेगा एक स्टेट नेक्स्ट है नेशनल यूनिटी एंड इंटीग्रेशन एनकरेज पीपल टू शेयर आइडियाज वैल्यूज एंड इमोशनल बॉन्ड सो नेशनल यूनिटी एंड इंटीग्रिटी एनकरेज करता है लोगो को जो देश का जो वैल्यू है इमोशनल बॉन्ड है उसे बढ़ाने के लिए नेशनल यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ये इनकरेज करता है लोगों को कि उसका जो वैल्यूज है इमोशनल बॉन्ड उसे बढ़ाने के लिए लोगों में अच्छा रिलेशन बनाने के लिए हेल्प करता है नेक्स्ट है

नेक्स्ट है जो ये क्या करता है प्रिंस द होल कंट्री टुगेदर एज वन नेशन देश को टोटल एक नेशन की तरह देखते हैं कोई खंड विखंड से भी नहीं देखते हैं सब एक है ऐसा कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर देखते हैं सो नेशनल यूनिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है टू होल्ड द कंट्री टुगेदर एक साथ कंट्री को पकड़ के रखने के लिए कि कहीं पर भी लड़ाई ना हो एक नेशन के तौर पर एक अच्छा नेशन के तौर पर उभर कर आने के लिए नेशनल यूनिटी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ज द लेक्चर थैंक यू और अभी इसका सेकेंड पार्ट भी आएगा सो कीप ऑन वॉचिंग एंड कीप ऑन लर्निंग